नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नरेश मेहता जी, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, उनके जीवन और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं नरेश मेहता जी के साहित्य के परिचय की चर्चा। श्री नरेश मेहता नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित जो दूसरे तार सप्तक से उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, यानी जो अज्ञेय जी थे उनके द्वारा जो तार सप्तक निकाले जाते थे, उसके दूसरे तार सप्तक में इनकी, नरेश मेहता जी की कविताएं संकलित हुई थी और तब से इनकी एक अलग से पहचान बन गई थी। श्री नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के मालवा जिले के साजापुर नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार, इनके पिता का नाम बिहारी लाल शुक्ल था और इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। साहित्य के क्षेत्र में नरेश मेहता जी नवीनता तथा प्रयोग के पक्षपाती रहे हैं। साम्यवादी विचारधारा का भी उनके साहित्य पर प्रभाव दिखता है। साहित्य के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे जीवन भर साहित्य साधना में लीन रहे और 22 नवंबर 2000 को नरेश मेहता जी का देहावसान हो गया। अगर हम उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नरेश मेहता जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार से हैं: काव्य संग्रह, अरण्य, उत्सवा, बोलने दो चीड़ को, बन पाखी सुनो, तुम मेरा मौन हो। इसके अलावा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखे हैं, संशय की एक रात, महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व। कहानी संग्रह उनके हैं, एक समर्पित महिला, जल सागर और तथापि। उपन्यास भी लिखे हैं, डूबते मस्तूल, वह पथ बंधु था इत्यादि। इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहली विशेषता है आधुनिकता बोध। श्री नरेश मेहता जी की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें आधुनिकता का आग्रह दिखाई पड़ता है। अपनी मुक्त कविताओं में तो वे आधुनिक विचारों को प्रकट करते ही हैं, इसके साथ साथ जो पौराणिक कथाओं को भी नवीन दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। अपने प्रसिद्ध प्रबंध काव्य संशय की एक रात में जो राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए राम को एक संशयग्रस्त मनुष्य के रूप में दिखाते हैं, वास्तव में वे पौराणिक कथाओं को भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ही लिखते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का उद्घाटन, श्री नरेश मेहता जी को भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव है। यद्यपि नरेश मेहता जी की रचनाओं पर साम्यवाद का प्रभाव लक्षित होता है, परंतु फिर भी वे भारतीय संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आधुनिकता और नवीनता के प्रबल समर्थक होने पर भी वे भारतीय संस्कृति के जो प्राचीन मूल्य हैं उनकी कभी भी अपने काव्य में अवहेलना नहीं करते। सामान्य जनजीवन का चित्रण, श्री नरेश मेहता जी अपनी साहित्यिक रचनाओं में सामान्य जनजीवन का चित्रण करते हैं। वे अपनी रचनाओं में सामान्य मानव के जो हर्ष है, विषाद है, सफलता है, असफलता है, जय पराजय, आशा निराशा, इन सभी चीजों का चित्रण करते हैं। यहाँ तक कि पुरानी लोक कथाओं का वर्णन करते हुए वे लोक प्रचलित नायकों को सामान्य मनुष्य की भांति ही चित्रित करते हैं। सामाजिक सरोकार की बात करें तो वैसे तो कोई भी साहित्यकार समाज से कटकर साहित्य रचना नहीं कर सकता, लेकिन साहित्य और समाज आपस में सदैव जुड़े हुए हैं। परंतु नरेश मेहता जी के साहित्य में सामाजिक सरोकार की भावना अधिक मिलती है। उन्होंने अपने साहित्य में समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाज, पर्व, तीर्थ स्थान, जाति भेद, वर्ग भेद,
सामाजिक शोषण आदि सभी का वर्णन मिलता है, यानी समाज में जो कुछ घटित होता है यथार्थ रूप से उन सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। मानवतावाद भी उनका एक विशेषता है। श्री नरेश मेहता जी का साहित्य मानवतावाद की भावना लिए हुए है। उनकी दृष्टि में कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं है, सभी मानव एक समान हैं। उनके मानवतावाद की विचारधारा अत्यंत व्यापक है। उनके मानवतावाद में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व जो है उसके अंदर समाहित है। वे सारे संसार को एक कुटुंब के समान मानते हैं और सभी के सुख और शांति की कामना करते हैं, और यही वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है भारतीय संस्कृति की एक प्रकाष्ठा है। प्रकृति चित्रण ने श्री नरेश मेहता जी ने अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्य में प्रकृति का आलंबनगत और उद्दीपनगत दोनों रूपों में, आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में उनका वर्णन मिलता है। अरण्य बोलने दो चीड़ को, वन पाखी सुनो आदि काव्य संग्रह में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। एक उदाहरण यहाँ पर है कि हिमालय के आंगन में समीप में लगा बरसने स्वर्ण, पिघलते हिमवानों के बीच खिलखिला उठा दूब का वर्ण। तो यहाँ पर बिल्कुल एक हिमालय जो प्रकृति चित्रण है बहुत ही सुंदर किया गया है, हिमालय से लेकर दूब के रंग की तरह। कला पक्ष की अगर बात करें तो श्री नरेश मेहता जी ने अपने साहित्य में आधुनिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सहज सरल और स्वाभाविक और विषय के अनुकूल है। भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं। अलंकार की बात करें तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों प्रकार के अलंकार इनके काव्य में मिलते हैं। इनके काव्य में नवीन प्रतीकों और नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, यानी ये नवीनता और आधुनिकता के बहुत प्रमुखता से अपने लेखनी उन्होंने चलाई है, जिससे इनकी काव्य जो भाषा है अत्यंत प्रभावशाली बन गई है। काव्य रूप के दृष्टिकोण से उन्होंने मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं। इन्होंने मुक्त छंद में कविताएं भी लिखी हैं, परंतु फिर भी उनकी कविताओं में जो लय है और प्रवाह वो बहुत दर्शनीय है, देखने लायक है। तो आज हमने नरेश मेहता जी के जो जीवन और साहित्यिक परिचय प्राप्त किया, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।